रसमड़ा के रायपुर स्टील प्लांट में बड़ा हादसा हो गया है। प्लांट के अंदर भयानक ब्लास्ट में एक मजदूर की मौत हो गई है, वहीं दो लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना है। बताया जा रहा है कि अंदर लोहे को पिघलाने का काम चल रहा था, इसी दौरान 100 से ज़्यादा मजदूर थे, अचानक भट्टी में ब्लास्ट हो गया। इससे वहां पर क्रेन ऑपरेट करने वाले मजदूर के ऊपर गर्म लोहा छिटक कर आ गया, इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। इस घटना को लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी प्रबंधन का एक भी जिम्मेदार आदमी मौके पर क्यों नहीं पहुंचा है। पूरी फैक्ट्री को बंद करके रखा गया है। वहीं घटना स्थल पर जिला पंचायत सदस्य लक्ष्मी साहू भी पहुंची। सच्चाई ये है, कल रात को 11:45 पे हमारी कंपनी रायपुर पावर एंड स्टील लिमिटेड में 20 टन की भट्टी ब्लास्ट हुई, जिसमें तीन लोग झुलसे हैं, जिसमें दो जले हैं, जिसमें एक की डेथ हो गई है। और जो सेकंड पर्सन है वो 50% अभी सेक्टर 9 हॉस्पिटल से खबर आ रही है, जिसमें वो झुलसे हैं जले हुए। जिनकी डेथ हुई है वो कॉन्ट्रैक्टर कर्मचारी है प्रियंका एसोसिएट से, और ESI में कवर्ड है। उसके बावजूद कंपनी ने 15 लाख रुपए का चेक और 50,000 रुपये कैश धनराशि उनको दी गई है।